आत्म ही हूँ, आत्मनो बंधु, आत्म ही रूपो आत्मा। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। तो अपने मन को मना, अपने खुद मन से, कोई और नहीं मना पाएगा तेरे मन को। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। अपने अंदर की शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर क्या है, अपने अंदर की शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति भरी पड़ी है, अनंत शक्ति। आप उस शक्ति को पहचान गए जिस दिन, उस दिन आपके अंदर का महामानव पैदा हो जाएगा, और वो महामानव आपसे इतने असंभव काम करा लेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। निर्णय, डिसीजंस, जीवन में ना जाने कितने निर्णय लेने पड़ते हैं, किस किस विषय पर निर्णय लेने पड़ते हैं, और निर्णय लेते समय एक असमंजस, एक उहापो, एक अधूरापन, एक डायकोटमी बनी रहती है कि निर्णय ठीक भी है कि नहीं। अच्छा होता अगर वो निर्णय ले लेते, या ऐसा नहीं वो करना चाहिए था, या ऐसा क्या करें कि हम निर्णय ठीक लिया करें, यह मन में सबके बना रहता है। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा नहीं सोचता जैसा मैंने कहा है। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान एक ही है। तुम जिस किसी विषय पर भी निर्णय लेना चाहते हो, चाहे वो तुम्हारे जीवन का मेन ऑब्जेक्टिव, मूल लक्ष्य हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे पैसों की बात हो, स्टार्टअप की बात हो, जॉब चेंज करने की बात हो, फैमिली की बात हो, घूमने की बात हो, कुछ सीखने की बात हो, विषय कोई भी हो सकता है, हर विषय का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं। बैठ करके स्पष्टता से इतना सोच लो कि मैं ये काम आखिर करना क्यों चाहता हूं, और जो भी तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव निकल करके आए, उसके लिए तुम जो भी निर्णय लो उसमें केवल दो बातें देखो। एक, तुम किसी का अहित मत करो, किसी का अधिकार मत छीनो, नीतिगत रहो, किसी के अधिकार का हनन नहीं करना। और दूसरा, जो कुछ भी मन में आ रहा है अपने लक्ष्य की सेवा में, उसे बस कर डालो, ज्यादा असमंजस में मत रहो। एक बात याद करो, हमेशा याद रखना, इस पूरी पृथ्वी में ईश्वर का जो ये कॉस्मिक माइंड है ना, उसमें हर एक सब्जेक्ट को लेकर के अरबों खरबों इनफाइनाइट थॉट्स इस पूरे ब्रह्मांड में, कॉस्मिक माइंड में अवेलेबल हैं। तुम एक विषय को करने के लिए एक निर्णय लेते हो, अरे कॉस्मिक माइंड में तो इंफिनिटी है। तुम्हारा जीवन सीमित है, तुम्हारे पास समय सीमित है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी सीमित है। इसमें अगर तुम लटके रहे कि क्या बेटर था क्या नहीं था, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यादा अच्छा ही है, जैसा मैंने कहा, दो बातों का ध्यान रखो, तुम्हारा उस निर्णय लेने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक। दूसरे, किसी के अधिकार का हनन मत करना, माने किसी के अधिकार को छीनना मत, और फिर जो निर्णय दिमाग में आए उसे कर डालो। मन में सोचोगे कि अगर असफल हो गए तो, देखो अगर तुमने अपने ऑब्जेक्टिव की सेवा में, जो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है, तुमने अगर ऑब्जेक्टिव की सेवा में निर्णय लिया, किसी का अधिकार का हनन नहीं किया, असफल भी अगर हो गए तो तुम्हें विश्वास बहुत होगा, आत्मविश्वास होगा, इतना आत्मविश्वास होगा कि तुम दोबारा से खड़े होकर प्रयास करोगे। यह बात सच है, एक बहुत बड़े ऋषि ने कहा हुआ कि मनुष्य भले असफल हो जाए, पर अगर उसने निर्णय किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए लिया था, जिसमें किसी के कोई अधिकार का उसने हनन नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा है, तो कोई बात नहीं, असफल हो गया तो भी दोबारा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि देखती है, वो नहीं चाहती तुम्हें खामखा में गिरा दिया जाए। विषय मैंने कहा ना, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो फैमिली का हो, रिलेशनशिप का हो, पैसे का हो, सीखने का हो, या किसी बिजनेस के प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव, जीवन का उद्देश्य क्यों ना हो, इन दो बातों का ध्यान रखना है, किसी का अधिकार नहीं मारना, और जो निर्णय मन में आए उसे लेके आगे बढ़ जाना, असमंजस में नहीं रहना। जो, क्योंकि बाद में भी अगर सोचना पड़े तो एक ही बात सोचनी है, उस समय मैंने जो सोचा, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैसा सोचा, मैंने वही किया और मैं ठीक ही था। चाहे असफल हो गए, असफलता के हजार कारण होते हैं, जरूरी नहीं कि असफल होने के पीछे केवल एक ही कारण तुम्हारा डिसीजन हो, बहुत से कारण हैं जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर भी होंगे, वो हो सकते हैं, उसकी चर्चा यहां नहीं करते हैं।
पावर ऑफ संकल्प के जो ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम है उसमें इस डिसीजन मेकिंग को लेकर के भी हम चर्चा करते हैं। अगर तुम जुड़ना चाहते हो तो अपना नाम और मोबाइल नंबर ऊपर दिए गए ईमेल पर लिख दो, info@growbizguru.guru। हम तुम्हें संपर्क करेंगे, पर अगली बार जब निर्णय लेने लगो इन दो बातों का ध्यान रखना। एक, तुम्हारा मूल उद्देश्य क्या है, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर। और दूसरा, मैं किसी के अधिकार का हनन नहीं कर रहा हूं, जो समझ में आए कर डालो।